अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, ये आप लोगों को मैं मकई का फसल दिखाने वाला हूँ। इस दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से बारिश ज़्यादा हुई और मकई का फसल जो है ना काफ़ी अच्छा है। ये हमारा अपना खेत है, इसमें हमने मकई काश्त किया हुआ है। बाकी जो जानवरों के लिए घास वगैरह, ये जानवरों के लिए काटते हैं ये घास। सर्दी के मौसम में इस घास इसको सुखा लेते हैं और सर्दी के मौसम में फिर जानवर ये जानवर खाते हैं। ये गाय हो गया, भैंस हो गया, बड़ा शौक से ये घास खाते हैं जानवर। ये इस घास को ज़रा दिखाओ, ये जो हमारे इलाके में ये घास पाई जाती है ना, ये जानवरों की पसंदीदा खुराक होती है। और ये मैं आपको मकई का फसल दिखाने वाला हूँ। यार कैमरा ले आइए, इसमें देखिए कितना खूबसूरत फसल हुआ है इस दफ़ा। इस साल अल्लाह पाक ने जो है ना मकई काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी खूबसूरत, और इसमें चलिया भी बहुत अच्छी है, और इसमें ये किसी ने इसको खोला हुआ है। दाने भी बड़ा अच्छे दाने हैं इसमें, ये नहीं खोलना चाहिए लेकिन किसी बच्चों ने खोला हुआ, या कि हो सकता है यहाँ पे जानवर आते हैं, जानवर वगैरह जो है ना होते हैं, जिस तरह गिदड़ हो गया, एक और किस्म का जानवर होता है, वो इसको शौक़ से खाते हैं और इसको खोलते हैं, इसके दाने वगैरह खोलते हैं और खा जाते हैं। तो ये हमारा पहाड़ी इलाका है, इसमें हमने ये मुश्किल से जानवरों से बचा के लिए चलिया देखो माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी चलिया इस दफ़ा। और ये अपना कहते बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ने जो है ना इस दफ़ा बारिश तो बहुत हुई है, सैलाब भी आए हुए हैं, लेकिन एक तरफ बारिशों का फ़ायदा ये हुआ कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे फसल वगैरह बहुत खूबसूरत, बरानी इलाके में ये मकई का फसल बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो बाकी अल्लाह सब से ये सारा इलाका दिखाइए, थोड़ा बहुत ये फसल वगैरह दिखाइए, चलिया वगैरह दिखाइए।